हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैम छो? आप सबको ईद अल अदा मुबारक। आपकी ईद हॉलिडे सुख शांति से बीते, आप लोग इंजॉय करें, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। वो भी आप याद रखिएगा, अगर पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो आपको ज़रूर मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना है। तो अगर ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे तो ये COVID-19 को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज दुबई में तो ईद का छुट्टी चल रहा है, लंबा छुट्टी है 6 दिन का, और मेरे सभी दोस्तों को हैप्पी हॉलीडे बोलना चाहता हूँ, और आप लोग ईद का वेकेशन अच्छी तरीके से मनाएं। हम लोग आज घर में अंजिताज किचन कॉर्नर में मोमो कार्यक्रम होने जा रहा है आज, तो उसका भी आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा कि अंजिता कैसे करके आज मोमो प्रिपेयर कर रही है। अंजी, आज क्या चीज़ का मोमो बना रही हो? आज बन रहा है इस्कुस का मोमो, इस्कुस एंड चीज का मोमो। इस्कुस और चीज का मोमो, इस्कुस इंग्लिश में चयोटे बोलता है। अच्छा, स्क्वॉश भी बोलता है। अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। और इधर चाउचाउ बोलता है। बस इस्कुस, इस्कुस में क्या क्या डालोगी? चीज, प्याज, ओके, थोड़ा सा धनिया, और वो कैबेज का, कैबेज का भी बनाएंगे। कैबेज इधर रेडी है, कट करके ऑलरेडी रेडी कर दिया। कैबेज में थोड़ा सा पनीर भी डाल दूंगी। ये क्या बना रही हो? ये प्याज है, प्याज मैंने रेडी नहीं किया था कल रात को ही ये सब किया, प्याज रेडी नहीं किया था। प्याज अभी कट कर रही हूँ। आज ईद हम लोग मोमो खा के मनाएंगे, मोमो पार्टी होगा आज। ओके, तो अभी जस्ट इसका इंग्रेडिएंट्स बन रहा है ना? इंग्रेडिएंट्स तैयार हो रहा है अभी। ये क्या कर रही हो? ये मैदा है, अभी इसका डल्ला बनाना है। अब दो टाइप का मोमो था ना? हाँ, एक तो पहले ये कर रही हूँ। ये कौन सा है? ये थोड़ा सा करूंगी फिर। इस्कुस का है? नहीं, ये कैबेज का है। अच्छा, ये कैबेज का पनीर और कैबेज, पनीर और कैबेज का मोमो है ना? मोमो बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बन गया, ये फिलअप करना है ना? ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाया जाता है मोमो बनाने के लिए पहले। रेस्टोरेंट होटल में तो और भी छोटा छोटा होता है, इससे भी इसका दो होता है। अब इसको छोटा छोटा पूरी जैसा बनाना पड़ेगा ना? इसके अंदर में आपको स्टफ करना है ना? ये है मोमो बनाने की तरीका, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। ये मोस्ट कॉमन तरीका ये स्टैंड। अच्छा, इसको ऐसे कर दो। कैसा राउंड किया? ये बीच में जाएगा। मैं भी बनाता हूँ एक पीस ना, मुझे भी आता है ना बनाने के लिए। मसाला डालने का है पहले। अभी इसको मसाला डालने के बाद में ऐसे ऐसे करके ऐसे करते जाने का है आपको। दिखाओ,
देखिए कैसा लगा। इसे अच्छा बनाया जाता है। आगे भी दिखाओ। ये है देखो, आई कैन ऑल्सो मेक मोमो। ऊपर का पतला होना चाहिए। देखो देखो मुझे भी आता है ना मोमो बनाना। वो खेल रहा है, वो मोमो नहीं बना रहा है। क्या खेल रहा है? ये देखो मेरे को देर हो रहा है अभी, फटाफट बना लेता हूँ मैं भी मोमो। यहाँ पे पानी उबलने वाला है देखो। ये उंगली से क्यों उठा ऊपर सॉस को। मोमो बनाना बहुत इजी है, आपको ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाने का है और इसको पूरी का शेप में इसको ऐसे करके बेलना है। और इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये जो कैबेज, पनीर, प्याज और गाजर का जो ये आपने मसाला बनाया है इसको ऐसे करके डालना है और इसको धीरे 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 इसको ऐसे करके बनाने का है। तो ये हो गया आपका, ऊपर से ऐसे करके प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका बन गया मोमो, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको पसंद ये मोमो का क्या बोलते हैं इसको, मक्टू बोलते हैं हम लोग इसको, मक्टू बोलते हैं। स्टीमर, स्टीमर है ये। ऐसे करके पानी डालना पड़ता है नीचे और उसके बाद में ऊपर रख दिया। अभी ये 10 मिनट पक जाएगा। अभी ये 10 मिनट में आपका दूसरा तब तक रेडी हो जाएगा। एक्चुअली दोनों ही रेडी करना था एक साथ। ऐसे करके मोमो बनाया जाता है। बहुत कम आदमी बाहर दिख रहा है, बहुत ही गर्मी है बाहर। तो ये हमारी कम्युनिटी की एक झलक है। ये एक एक मक्टू में कितना पीस होता है? 10-12 पीस, 11-12 पीस, 11 पीस तक आता है। छोटा छोटा है तो 12 पीस आता है। ये कितना हो गया? ये छोटा है स्टीमर। 2-3-4-5-6-7 हो गया अभी। ये छोटा वाला है ना, ये मिनी है, बड़ा वाला नहीं है। लेकिन खाने में तो ना छोटा छोटा ही अच्छा होता है ना, बड़ा वाला तो क्या है ना। नहीं मक्टू, ये स्टीमर नहीं, मोमो का साइज बोल रहा हूँ। छोटा छोटा ही अच्छा रहता है खाने में, है ना। आज आप खाली स्टीम मोमो खाली बना रहे हो? हाँ। चिल्ली मोमो नहीं बनाओगे? नहीं, उनको स्टीम मोमो ही पसंद है। हाँ, आज हमारे घर सोहन भाई आ रहे हैं और उनकी फैमिली, तो बहुत दिन के बाद में हम लोग ने भी मोमो नहीं खाया था, तो इसी बहाने हमको मोमो खाने का अवसर भी मिल रहा है। नहीं तो अंजिता बनाती नहीं है, है ना। कभी-कभी बनाती हूँ, विंटर में बनाती हूँ। ये कैबेज का है ना ये? तो ये मसाला ज्यादा नहीं हुआ? देखेंगे अभी, ये सेट हो जाएगा फिर मैं वो दूसरा बनाऊंगी। इसकुस का, ये इसकुस का मोमो बन रहा है। इसकुस एंड चीज, इसकुस एंड चीज, इसका मैं डिजाइन, ये डिजाइन तो अलग लग रहा है, अलग डिजाइन किया ना ये तो। वो पहचानना है ना, वो वाला ये इसकुस वाला है और वो है। ये चीज डालने के कारण ऐसा दिख रहा है ना, ये पूरा मिक्स हो गया बहुत। ये मक्टू है, इसमें मोमो पक रहा है। एक सेट हो गया। बहुत इजी है ना मोमो बनाने। एक सेट हुआ। आज दो टाइप के मोमो बन रहे हैं, एक तो कैबेज का है
दूसरा है इस्कुस का। खोलो अंजी एक बार, मोमो स्टीम हो रहा है। ये भी हो गया अभी, एक मिनट पक गया। कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में पक जाता है ना? गर्मी में 10 मिनट्स, ठंडी जगह में 15 मिनट्स तक रखना पड़ता है। बहुत अच्छा दिख रहा है, खाने में और मजा आएगा। ये देखिए गर्मा गर्म मोमो खाने में बहुत मजा आता है। ये है कैबेज पनीर और वो वाला इसकुस का कौन सा था? ये इधर से इसकुस का, ये है ये और ये इसकुस और चीज है इसमें। इसकुस और चीज, ये और भी है लस्सी तक। और डालिए सर भाई, बाद में देंगे। ओए ओए सॉरी सर, गरम हो गया होगा? नहीं, वो पकड़ा मैंने बराबर नहीं। स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में बताइए कैसा है। मैंने बनाया है। अच्छा, आपने बनाया? हाँ, गरम हो गया। एक वो ठंडा वाला भी ले सकते हो आप, वो वाला। कैसा लगा? कैसे है वो? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। मैंने वो गार्लिक और टमाटर थोड़ा सा गार्लिक। प्रथम है बट बहुत टेस्टी है। गरम होगा, मुंह में फिर जलेगा। कैसा है? नाइस। चटनी बहुत अच्छा है। आप ही खाओ और बताओ आप कैसा है। मैंने बनाया ना। कौन बनाया? दो पीस बनाया सब आइडिया, तो वीडियो में दिखा। आइडिया रेसिपी बनाया, आइडिया रेसिपी सब मैंने तो बोला। कैसा है? बहुत टेस्टी। ये सॉस भी बहुत, अचार कैसा लगा? सॉस अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कोरिएंडर मैंने शायद नहीं डाला, चिली है, चिली और थोड़ा सा कलर के लिए वो कश्मीरी रेड चिली है ना, वो थोड़ा सा डाला। बहुत अच्छा। वो तीन सिसमी सीज है ना, तीन भी डालो बोला था, मैंने नहीं डाला। कौन दिख रहा है? यंस, कुछ बोलो बोलो। हाँ, उरी उरी ओ ओ, देखो यंस क्या बोल रहा है। हम इधर देखो, इधर हाँ देख रहा है। अरे 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 देख रहा है। ये देखो, ये देखो, कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है? अरे 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 अरे, चलो चलो बात करो। ये क्या है बेटा? ये क्या है, क्या है? हाँ यान, ए क्या है, क्या है? मामा नहीं खाओगे हैं? मामा हम नहीं खाओगे? नहीं, हंस रहे हो, हंस रहे हो? मोमो खाना है? हैं? अरे उधर देख के, देख के ठुकेगा इधर। क्या कर दिया? ये ले 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 ले, आजा आजा आजा। ये ले लिया। कुछ बोलो, कुछ बोलो।
जंप कर रहा है ये तो, जंप कर रहा है। चलो 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 चलो, अरे उसको तो मजा आ रहा है इसको। जंप वो बोल रहा होगा इसको, मेरे को वो चलाना नहीं आता है। आज का ब्लॉग इतने में ही समाप्त करते हैं। मोमो तो बहुत अच्छा था, है ना? बनाने वाले को उतना वो नहीं होता है जो खाते मुझे, हैं उसको। मुझे तो वो अच्छे लगा, लेकिन थोड़ा नरम हो गया था वो। हा? जो क्या नरम हो गया था? इस्कुस, जो इस्कुस का था ना मोमो। मोमो नरम नहीं होता है तो क्या हार्ड होता है क्या? नहीं, जैसे वो कैबेज का थोड़ा फील हो रहा था, कैबेज का जो मोमो खाने का टाइम में फील हो रहा था, लेकिन वो इस्कुस का तो जो है ना, पता नहीं चल रहा। हाँ, वो पता ही नहीं चला, वो सुलुत सुलुत ज्यादा था। वो चीज के वजह से होगा, ज्यादा चीज हो गया उसमें। हाँ, वो चीज की वजह से होगा, इसलिए मुंह में डालती वो उसका फील ही नहीं आ रहा था ऐसे। लेकिन अच्छा था टेस्ट, दोनों ही मोमो का अच्छा था। तो इसकी वीडियो यही है। लास्ट टाइम जो बनाया था वो चीज का मोमो, चीज और इस्कुस का, उसका वो बहुत अच्छा हुआ था। आज का थोड़ा उसमें हो गया, थोड़ा ज्यादा चीज हो गया। मैंने बोला था ऑनियन लेके आने को, लेके आया सलाद खाने का ऑनियन, अभी उसी की वजह से वो वैसा हो गया। मुझे बोला था मुझे वो बड़ा बड़ा वाला ऑनियन लेके आओ, इसलिए मैं सोचा वही बड़ा वाला ऑनियन होगा। बड़ा वाला दूसरा भी तो, वो रेड ऑनियन भी तो बड़ा वाला होता है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम वही डाल के बनाएंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।